अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हबीब वज़ीर और आप देख रहे हैं एच बी टेक्निकल लैब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह ऑनलाइन बिल्कुल फ्री एक बेहतरीन और प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं बग़ैर कॉस्ट के। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चले दोस्तों, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोलता हूँ। क्रोम ब्राउज़र खोल के आप यहाँ पे लिख लें लोगो मेकर dihoot.com, ये लिख कर सर्च करें। यहां पे ये सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ये ऑलरेडी एक लोगो मौजूद है, आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम एक नया लोगो बनाना चाहते हैं अपने मर्जी का डिजाइन लेके। तो आप इस न्यू के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको हटा सकते हैं, और फिर यह एड सिंबल के बटन के ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहां आ जाए। अब यहां पे बेशुमार आपको डिजाइन दिख रहे हैं, इसमें से आप जिसको भी पसंद करते हैं आप उसी को उठाए, लेकिन और यहां पे यह कैटेगरीज है बेशुमार किस्म के, इसमें डिजाइन्स हैं। आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप यानी जिस हवाले से भी आप लोगों को बनाना चाहते हैं तो वो सारे के सारे आपको यहां से मिल जाएंगे। मैं स्टेक के ऊपर जाता हूं, यहां से मैं अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन लेता हूं। फर्ज करें मैं ये वाला डिजाइन लेता हूं, इसको अब यहां साइड पे कर दें। अब इसमें से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें से जो पार्ट हम गायब करना चाहें डिलीट करना चाहें। फर्ज करें मैं ये वाला डिलीट करना चाहता हूं, तो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये जो आई का बटन आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये गायब हो गया। इसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूं, उसी बटन के ऊपर आप क्लिक करें और ये भी गायब हो गया। अब आ जाए एड सिंबल के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करें, मैं एक और डिजाइन इसके साथ ऐड करना चाहता हूं, प्रेस करें, ये वाला मैं करना चाहता हूं। इसको आप पकड़ के इधर लाए और बिल्कुल इसके सीध में इसको प्लेस करें, यहां पे मैंने प्लेस कर दिया। अच्छा, अब इसके मैं कलर चेंज करना चाहता हूं, ये वाला कलर, इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूं, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके सेलेक्ट कर दें और यहां कलर के बटन के ऊपर आ जाए और इसको अपनी मर्जी का कलर दे दें। जो भी कलर आप इसको देना चाहते हैं आप वही कलर इसको दें। अच्छा, इसका भी कलर चेंज करते हैं, ये कलर ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इसमें कुछ मजीद ऐड करना चाहते हैं, इसको मजीद यूनिक बनाना चाहते हैं, तो इस डिजाइन को आप ले लें, इसको आप लेके आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको बना सकते हैं, आप जहां पे भी इसको रखना चाहते हैं, जो भी डिजाइन आप देना चाहते हैं, लेकिन मैं ये वाला। अच्छा, इसका जो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मुझे पसंद नहीं है, ये मैं खत्म करना चाहता हूं, तो इसके ऊपर क्लिक किया और फिर आई वाले बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये खत्म हो गया। अच्छा दोस्तों, तो यहां तक तो बहुत बेहतरीन हमारा। इसका भी आप कलर अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसको हम कोई और कलर इसके साथ देखते हैं, ये ठीक है ब्लैक। अच्छा, अब हम आ जाए ये एड शेप के बटन के ऊपर,
मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको पकड़ें, यहाँ एक कोने से इसको खींचे, इसको बड़ा कर दे और फिर इसको यहाँ दरमियान में से पकड़ के अब इसका साइज थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है तो इसको आप छोटा कर सकते हैं। इसको फिर आप एडजस्ट करें। यह सिर्फ एक टेस्ट है इसलिए मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कर सकूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, तो ये आपका एक लोगो, बेहतरीन लोगो तैयार हो गया। अब इसका भी कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी आप कलर अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसको ये कलर देना चाहता हूँ। ये आपका लोगो तैयार हो गया। अब इस लोगो को आपने डाउनलोड और फिर सेव करना है। तो ये आपको जो बटन दिखाई दे रहा है सेव एंड डाउनलोड, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करें। योर लोगो हैज बीन सेंट। आप चले देखते हैं एक और टैब खोल के, अब अपना जीमेल खोलते हैं। तो यहां पे ये मेल आया है योर फ्री लोगो दी होत, इसके ऊपर क्लिक करें। ये जो लास्ट वाला ईमेल आया है इसके ऊपर क्लिक करें। ये आप देख रहे हैं डाउनलोड योर लोगो फाइल, अब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया। यहां पे शो ऑल करें, ये आपका 700 बाट नंबर जिप फाइल आपके पास पहुंच गया। शो इन फोल्डर, इसको यहां से सेंट और डिस्टॉप करें और फिर इसको खत्म कर दें। या ये हमारी फाइल आ गई है, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट में आपके पास आया है तो आप ये PNG जो है ज्यादातर यूज किया जाता है, आप इसको ओपन करें। यह आपका लोगो आ गया। आप इस लोगो को जहां मर्जी आप यूज करें, जहां मर्जी आप इस्तेमाल करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।